एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो आज मैं तिल बढ़ैया बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने मैंने चने की दाल बॉईल करके और पीस के ले लिया है, और ये मसाले हैं जो मैं अभी भूनूंगी। ये जीरा है, मेथी है, धनिया है, और ये ऐसे डाल दूंगी लहसुन और लाल मिर्च पीसी। अब मैं मेथी डालूंगी, जीरा मेथी साथ में ही भून लूंगी। मसाले भुन गए, अब मैं जा रही हूँ पीस लूं। इसमें मैंने नमक भी मिला लिया है, अब मैं मिक्स करके रख दूं। यहाँ पे मेरा आटा भी रेडी है, अब मैं इसमें लस्सी बनाऊंगी। ये मेरे यहाँ फतेहपुर में तिल बढ़ैया बोलते हैं, दाल का पराठा भी कहते हैं, तो इसका मेल लस्सी से ही होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। सब्जी भी बनती है, तो मैं सब्जी भी थोड़ी देर में बना लूंगी, पहले ये बना लूं। तो मैं लस्सी बनाऊंगी। तो मैंने घी चढ़ा दिया है कढ़ाई में, अब मैं आटा डालूंगी। मेरा आटा भुन गया है, अब मैं ये गुड़ का घोल डालूंगी। लस्सी पक आई है, गुड़ की बनाई हूं तो बहुत सोनापन रहता है। अब मेरी लस्सी पक गई है, अब मैं इलायची पाउडर डालूंगी। अब ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ ही आएंगे। ये मेरी बन गई तिल बढ़ैया, बेल गई।
अभी मैं एक दूसरी और बन ये हमारी बन गई थी बढ़िया। मैंने दो ही बनाए हैं अभी, अंशु किंग और ये नहीं है, फिर बाद में बनाऊंगी। अभी मुझे फतेहपुर जाना है, 5 बजे डॉक्टर बैठेगा, शुगर की रिपोर्ट मिलनी है, तो मैं अभी थोड़ी देर में फतेहपुर निकलने वाली हूँ। फिर वहां से आने के बाद पूरे आटे की बनाऊंगी। पैसा मांग रहे हैं आपका फोन करना हुआ। आ गए हॉस्पिटल, बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे दिखाया है अनुराग वाजपेयी के पास, डॉक्टर को दिखा दिया, अब घर जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया, 5 बजे बैठना था डॉक्टर को, अब 8 बज 8-9 बज रहा होगा, काफी टाइम लग गया। फतेहपुर से आ गए, इतनी सारी दवाइयाँ मिल गई है रोज खाने के लिए, बहुत ज्यादा मेरा शुगर बढ़ गया था, खाना पीने में थोड़ी लापरवाही कर दी थी मैंने, अब सही है। यहाँ ज्ञानसु के पापा रामेश्वरम और कन्याकुमारी, गोवा हर जगह घूम के त्र्यंबके, खूब दिनों में वीडियो में आए हो तुम ना, 20 दिनों में घूम के आया है। खूब बढ़िया टूर रहा, कपड़ा खूब ढेर सारे आ गए हैं धुले का, है ना? ये देखो ढेर सारे कपड़ा मशीन लागे, सब धुले जाए। कल रात के आए थे और आज अनंत चौदस है, आज इनका व्रत है, तो वही फलहार कर रहे हैं। 11 तारीख से पितर शुरू होने वाले हैं, तो अपने पिताजी को पानी देंगे, इसीलिए जो पितर का पानी देते हैं पितृपक्ष को, वही अनंत चौदस रहते हैं। अंशु के पापा आ गए, ये देखिए त्र्यंबके ज्योतिष लिंग की फोटो लाए हैं, और ये केरल की है विष्णु भगवान की, और शंख लाए हैं अपने घर के लिए, एक किसी के देने के लिए है, किसी ने मंगवाया होगा, और झालर लाए थे, अभी मैं दिखाऊंगी। मैंने मना कर दिया था बहुत ज्यादा सामान नहीं लेके आइएगा, और प्रसाद बस इतना ही लाए हैं, अभी मैं दिखाऊंगी। झालर दरवाजे पे लगा दिए है, अच्छी लग रही है, रामेश्वरम से खरीद के लाए हैं। पास से दिखा रही हूँ त्र्यंबके भोलेनाथ को, ये है झालर जो अंशु के पापा रामेश्वरम से लाए हैं।
ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, दो लाए हैं। और हमारे पंडित जी आ गए, आज पितृ पक्षा से शुरू हो रहे हैं, तो पानी दे रहे हैं। उसके पापा ने पितरों को पानी दे दिया और मेरा भी जो रहता है दो आटे की दाई बाबा बनाए जाते हैं, मेरा भी हो गया। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सुधाओं भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।